नमस्कार। एक भारत श्रेष्ठ भारत 36 झारखंड बटालियन एनसीसी नुक्कड़ नाटक में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो आइए देखते हैं एक बेबस माँ की कहानी, जो कि संसार के सारे कष्टों को सहन करते हुए एक बेटी को जन्म देती है, पढ़ाती है, लिखाती है। आइए देखते हैं इस समय एक दृश्य। अजी सुनते हो, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? आप पिता बनने वाले हो। क्या सच में? हाँ। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। इस खुशी के मौके पर पूरे गांव वालों में मिठाइयाँ बांटनी चाहिए। क्यों नहीं? तो देखा आपने, ये थे श्यामलाल और कलावती। जब इन दिनों को इन लोगों को पता चलती है कि ये लोग एक बच्चे को जन्म देने वाले हैं। आइए देखते हैं कुछ महीने बाद। कलावती कहाँ हो? यहाँ सामने आओ अभी। हे भगवान, क्या हुआ क्या हुआ? आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? आप ऐसे क्यों बैठे हैं? पूछ रही हो क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? तुमने पूरे गांव वालों के सामने हमें नाक कटवा दिए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने सोचा था कि तुम हमारे घर के लिए एक चिराग लाओगी। हाँ तो क्या हुआ? तो तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? अरे बताओगे तब तो पता चलेगा ना क्या हुआ। तुमने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दी, क्योंकि तुम एक बेटे को नहीं बल्कि एक बेटी को जन्म देने वाली हो। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, हमारे घर में लक्ष्मी आ रही है। नहीं, मुझे बेटी नहीं बल्कि एक बेटा चाहिए जो मेरे वंश को आगे तक ले जाए। अरे बेटा और बेटी में फर्क ही क्या है? बेटी भी तो हमारा नाम रोशन कर सकती है। नहीं, मुझे सिर्फ बेटा ही चाहिए। नहीं, मुझे बेटी चाहिए। कुछ दिनों बाद जब उनके घर में एक नन्ही परी का जन्म होता है, आइए देखते हैं दूसरा दृश्य। म्यूजिक 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 संजीव। ये तो थे बेटी के जन्म की पूर्व की कहानी। जब बेटी जन्म लेती है और कुछ दिनों के बाद उसके घर में श्यामलाल की क्या प्रतिक्रिया रहती है, आइए देखते हैं। नहीं नहीं चल रहा है, आइए आइए तुमके पास आइए। हाँ हाँ छोड़ा क्या तुमने? बस्ती है ना? पता नहीं क्या बस्ती है। माँ 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 हाँ बस्ती है। माँ 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 की मृत्यु के बाद बेटी घर की सारी जिम्मेदारी संभालती है और अपनी शिक्षा माँ के सपनों को पूरा करती है और अपनी पढ़ाई पूरी करती है। इसके बाद देखिए कुछ सालों के बाद उनकी पिता की क्या प्रतिक्रिया रहती है। अरे अरे यहाँ सामने आवे। क्या हुआ? पैसे लाओ, ये दारू पीनी है। मेरे पास कोई पैसे नहीं, आपने सारे दारू पी के खर्च कर दिए। पैसे ला, तुम कहाँ से लाओगे मैं नहीं जानता। मेरे पास कोई पैसे नहीं। जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो अब देखिए उनके घर में क्या होता है। दरवाजा
नन्ही बच्ची के साथ उन लोगों ने एक अविश्राप समझकर उसे जन्म नहीं देना चाहते थे, लेकिन कलावती ने सारे संसार के कष्ट को झेलते हुए उसे जन्म दिया और वह एक बेटे के जैसे अपने पिता की सेवा करती है। क्या एक बेटी एक बेटा का कमी पूरा नहीं कर सकती? आइए देखते हैं इसके बाद इन बेटियों की जीवनी कुछ कहानी। बोए जाते हैं बेटे और उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों में और लहराती हैं बेटियां, एवरेस्ट की ऊंचाई तक फैले जाते हैं बेटे और चढ़ जाती हैं बेटियां, कई बार गिराते हैं बेटे और संभाल लेती हैं बेटियां, रुलाते हैं बेटे और रोती हैं बेटियां, जीवन तो बेटों का है और मारी जाती हैं बेटियां। मत मारो कोख में इसको, इसे सुंदर जग में आने दो, मत मारो कोख में इसे, इसको सुंदर जग में आने दो, छोड़ो अपनी सोच ये छोटी, एक माँ को खुशी मनाने दो। देखा आपने, हम इस नाटक के द्वारा आपको यही बताना चाहते थे कि हमारी बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। अब देखिए, अब बताते हैं आपको इस कहानी को लिखने वाले और इस कहानी को निर्देश करने वाले शांतनु गुप्ता और संजीव भट्टाचार्य, जिसने इन कहानी को तैयार किया है, और बाकी सहयोगी हमारे आप लोगों ने हमारे कलाकार को देखा ही। धन्यवाद। फोटो लेंगे, ठीक है, फोटो लेंगे।